कोविड-19 के कारण बंद हुई परिवहन सेवाओं के अनलॉक प्रक्रिया में शुरू होने के चलते निगम की बसों में सफर करने वाले यात्री विभिन्न कार्ड बनवाकर परिवहन सेवाओं में किराए में छूट प्राप्त कर रहे हैं। निगम की बसों के राज्य के भीतर शुरू करने पर लोगों ने निगम के ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा सम्मान कार्ड बनाए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला बस डिपो के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर 2 सितंबर 2020 तक 3,746 ग्रीन कार्ड लोगों ने बनाए हैं। इनमें 1 जून 2020 से लेकर 20 अगस्त 2020 तक ही 1,223 कार्ड नए बने हैं। इसी तरह जनवरी से 2 सितंबर 2020 तक स्मार्ट कार्ड 1,160 बने, जिनमें से जून से 20 अगस्त 2020 की समय अवधि में 67 कार्ड बने। इसी प्रकार सम्मान कार्ड जनवरी से 2 सितंबर 2020 तक 2,695 बने हैं, जिनमें 284 कार्ड जून से 20 अगस्त 2020 की समय अवधि के भीतर बने हैं। आरएम एचआरटीसी पंकज चड्डा ने बताया कि निगम द्वारा उक्त कार्ड के माध्यम से यात्रियों को किराए में छूट प्रदान की जाती है। इसमें ग्रीन कार्ड धारक यात्रियों को निगम की साधारण बसों में 25% किराए में छूट दी जा रही है। इस कार्ड का मूल्य ₹50 है तथा ये कार्ड 50 किलोमीटर के दायरे में ही मान्य होता है। वहीं इस कार्ड को यात्रा के समय भी परिचालक के माध्यम से बनवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड धारकों को राज्य के भीतर व बाहर जाने पर किराए में 10% की छूट दी जा रही है। इस कार्ड को बनाने के लिए ₹50 शुल्क तथा इसकी समय अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड शुरू किया गया है। इस कार्ड को बनाने का शुल्क ₹50 है तथा इसकी वैधता 1 वर्ष है। सम्मान कार्ड धारकों को राज्य के भीतर तथा बाहर जाने पर साधारण बसों में 30% की छूट किराए में दी जाती है। जो हिमाचल पथ परिवहन निगम है, वो अपने यात्रियों के लिए विभिन्न विभिन्न टाइम पे अलग अलग कार्ड की सुविधा लेके आता है, ताकि लोगों को इन कार्ड का फायदा हो सके। और आजकल हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रीन कार्ड बना रहे हैं, तो ग्रीन कार्ड हमारा 50 किलोमीटर के दायरे में चलता है, और जो यात्री 50 किलोमीटर के दायरे में रोजाना सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसे बनाने में ₹50 में इसकी वैधता 2 साल है। और इसे जब भी वो कोई ग्रीन कार्ड धारक बस में बैठेगा, उसे 25% की छूट किराए में मिलती है। और आजकल हमने एक नई स्कीम और लॉन्च की है, जो हमारे कंडक्टर बसेस के साथ हैं, वो कंडक्टर अगर यात्री सफर करता है और उसे ग्रीन कार्ड बनाना है, तो वो यात्री कंडक्टर को ही ₹50 दे के मौके ही पे ही वो ग्रीन कार्ड बना सकता है। और इसके अतिरिक्त हमने एक सुविधा और शुरू की है, जो कोई लोग बाहर से, कोई व्यापारी, कोई दुकानदार या अन्य कोई जो चाहता है कि ग्रीन कार्ड बनाए, वो हमारे से इकट्ठा एक ग्रीन कार्ड ले सकता है, और हम जो हमारी तरफ से ग्रीन कार्ड बना के देगा, उसे ₹5 पर कार्ड उसे इसकी छूट मिलेगी, इसका फायदा मिलेगा। तो ये एक ग्रीन कार्ड है जिसका अत्यधिक लोग फायदा भी ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल 1 जनवरी 2020 से आज तक हमने 3746 कार्ड जो हैं ग्रीन कार्ड बनाए हैं, और लॉकडाउन के बाद भी, हालांकि हमारी बसेस की आजकल तादाद कम है, लोकल रूट ज़्यादा चल रहे हैं, फिर भी हमने 1 जून 2020 से आज तक 1223 ग्रीन कार्ड जो है बना दिए हैं। ग्रीन कार्ड के साथ साथ हम लोग अपने यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड बनाते हैं। स्मार्ट कार्ड भी ₹50 में हम बना के देते हैं, जिसकी वैधता 2 साल है, और इसका यात्री किसी भी हमारी बस में, चाहे वो विद इन स्टेट है या आउटस्टेट स्टेट है, उस स्मार्ट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं, और इसके तहत यात्रियों को 10% की छूट किराए में मिलती है। तो ये स्मार्ट कार्ड ₹50 में हम लोग बनाते हैं 2 साल के लिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उसके लिए भी हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सम्मान कार्ड की व्यवस्था की है, और सम्मान कार्ड हम लोग ₹50 में 1 साल के लिए बनाते हैं, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हमारी बसेज में सफर करते हैं, उन्हें हम 30% का डिस्काउंट देते हैं। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इस वर्ष
1 जनवरी 2020 से अभी तक हमने 2695 जो सम्मान कार्ड है बना दिए हैं, और इवन लॉकडाउन के बाद भी हमने 284 जो सम्मान कार्ड है बनाए हैं। तो ये जो भी हमारे जो कार्ड डिस्काउंट स्कीम्स हैं, लोग मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं कि इन कार्डों को बनाएं और जो सरकार ने सुविधा दी है उसका फायदा दें। और लॉकडाउन के बाद मैं देख रहा हूँ कि लोगों में इसकी रुचि ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हमारी जितनी बसें चल रही हैं वो जब भी रूट से वापस बस स्टैंड पे आ रही है, चाहे वो धर्मशाला है चाहे कांगड़ा है, वहाँ पर वो फिर से सैनिटाइज हो रही हैं। एक हमारी सैनिटाइजेशन टीम हमेशा हमने मौके पर लगाई है जो कि हमारी बसेज में बैठ रही है। ऊपर से जो हमारा निरीक्षक वर्ग है, मैं खुद भी, हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, सवारियों को बता रहे हैं, हमारी 100% गाड़ियों में 100% सवारियां बिन मास्क पहन रही हैं। तो ये जो कोरोना से बचने के लिए हम एहतियातन कदम उठा रहे हैं और जो हमारी बसें सैनिटाइज हो रही हैं, इससे लोगों का हिमाचल पथ परिवहन निगम में विश्वास बढ़ा है, और उसी का परिणाम है कि डे बाय डे हमारी एक तो बुकिंग बढ़ रही है, दूसरा इससे पता लग रहा है जो हमारी सेल ऑफ कार्ड्स है, इतने ये ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सम्मान कार्ड लोग हमारे खरीद रहे हैं, इससे पता लगता है कि लोग हमारे पे विश्वास कर रहे हैं। और लोगों को जैसे सैनिटाइज होकर गाड़ियां चल रही हैं, तो इन कार्डों की जो बिक्री है रोज बढ़ रही है। और मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं, जो कार्ड स्कीम, डिस्काउंट स्कीम चलाई हैं, इनका भरपूर फायदा उठाएं। और कहीं भी कोई आदमी, कोई प्रधान, कोई कुछ, अगर किसी के वहां पर ज्यादा लोग कहीं किसी भी कार्ड इकट्ठे कर रहे हो, और अगर वो लोग चाहें कि जी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आके कार्ड बना दे, तो हम उसका वहां भी कार्ड इकट्ठे होकर लोगों को बना देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिस्काउंट स्कीम्स हैं वो हर घर पे, हर आदमी के पास पहुंचे और लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और जैसा कि लोग उठा रहे हैं आगे से और उठाएं।